डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले, जो कि बनाने में बहुत इजी है और स्पेशली इस हिसाब से बनाए हैं कि बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे और तरीका भी आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं दही बल्ले। इन दही बल्लों को बनाने के लिए हमने लिया 200 ग्राम उड़द की दाल, ये व्हाइट वाली दाल है। इसे मैंने 4 घंटे हो गए भिगो के रख दिया था पानी में, लेकिन आपने ये ध्यान रखना कि भिगोने से पहले इसे अच्छे से 2 बार धो लेना। और ये 50 ग्राम है मूंग की धुली हुई दाल, इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था, इसे भी अच्छे से धो के भिगोना है और कम से कम 4 घंटे भिगोना बहुत जरूरी है। तो इसे हम छान लेते हैं, यानी पानी को पूरी तरह से निकाल देते हैं। ये हमने उड़द दाल को ग्राइंडर जार के अंदर डाल लिया है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोशिश करें पानी ना डालें, लेकिन अगर पानी डालना पड़े तो बिल्कुल ठंडा पानी डालें, यानी नॉर्मल पानी ना डालें, ठंडा पानी डालें। आप देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे ग्राइंड करने के लिए हमें 1/2 कप पानी डालना पड़ा है, और ये ना मोटी है ना ही पतली है, यानी थिक भी नहीं है और पतला भी नहीं है। बैटर ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका बैटर ज्यादा थिक होगा तो भल्ले जो है आपके वो सख्त बनेंगे, यानी हार्ड बनेंगे, और अगर आपका बैटर पतला होगा तो वो तेल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए बैटर जो है ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी ग्राइंडर के अंदर हमने मूंग दाल डाल दिया है, अब हम इसे भी पीस लेंगे। इसको थोड़ा फाइन पेस्ट हम बनाएंगे। मूंग दाल को भी हमने इसी तरह से पीस लिया है और इसे हम मिक्स कर देंगे जो उड़द की दाल हमने पीसी है, इन्हें हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे। इसे हम कर लेते हैं मिक्स। अब हमने करना क्या है, इसे बजाय किसी चीज से हिलाने के हम इसे हाथ से फेंटेंगे। अगर आपने इसे कड़छी से फेंटना है तो एक तरफ फेंटना है, यानी जैसे मैं इसे फेंटती हूँ तो इस तरह से फेंटना है। कभी भी आपने सीधी और उल्टी डायरेक्शन में नहीं फेंटना, क्योंकि उससे जो एयर इकट्ठी होगी वो निकल जाएगी। तो अगर आप कड़छी से फेंट रहे हो तो आपने इस तरह से फेंटना है, यानी आपने एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये है इसका राज, ये है टिप कि भल्ले जो हैं हमारे बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं इसे फेंटूंगी हाथ से, हाथ से इस तरह से हमने फेंटना है, और कम से कम घड़ी देखकर हमने 10 मिनट जरूर फेंटना है। 10 मिनट के लिए फेंटना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि बैटर जो है हमारा कितना फ्लफी हो गया है। मुझे 8 मिनट हुए हैं इसे चलाते हुए, कोशिश करूंगी कि 2 मिनट और चले। ये इतने अच्छे ये बनेंगे आपके भल्ले, और यही मेहनत का काम है। जो ये 10 मिनट है यही आपके मेहनत के हैं। इसके बाद भल्ले जो है ऐसे बनेंगे कि आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर जो है हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हमने डाला, थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। आप इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, और इसके अंदर डालेंगे जीरा। सबको डाल के एक बार दोबारा से हम कर लेंगे मिक्स। अब हमने लिया है 1 बाउल के अंदर पानी, क्योंकि पानी से हम हाथ गीला करेंगे तो बहुत ही इजीली जो भल्ला है मतलब बैटर है वो तेल में जाएगा। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, और बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम पे इसको बनाना। हमने इस तरह से हमने लेना और तेल में छोड़ देना। पलट पलट करते हुए थोड़ा थोड़ा पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम इसे डबल फ्राई करेंगे। एक बार इन बल्लों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तेल हमारा गरम है, दोबारा से इन बल्लों को हम बीच में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इस तरह से भल्ले की जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आएगा, और अंदर से भल्ला जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। ये हमने पानी तैयार कर लिया है, करीब 1 लीटर पानी मैंने 1 बाउल के अंदर डाल लिया, यानी बड़े बर्तन के अंदर। इसके अंदर मैं डालूंगी हींग। ये मैंने हींग को थोड़े से गर्म पानी के अंदर सोख करके रखा है, और इस हींग वाले पानी को हम इसी के अंदर मिला देंगे। ये हमारा पानी हींग वाला जो है वो तैयार है। हमारे जो भल्ले हैं ये करीब तैयार हो चुके हैं, यानी गोल्डन ब्राउन जैसा हमें कलर चाहिए वैसा आ चुका है। तो अब हमने इन भल्लों को निकाल के सीधा हींग वाले पानी के अंदर डाल देना। ध्यान रहे पानी नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। इन भल्लों को हमने 15 मिनट के लिए पानी के अंदर ही रखना है। जब तक ये पानी के अंदर रखेंगे तब तक हम अपना दूसरा सामान तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिया है दही। दही को हम एक छलनी के अंदर छान लेंगे।
ये हमारी दही करीब 100 ग्राम है, ज्यादा दही नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी बना के आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच भर के शुगर का डाला है, पीसी हुई शुगर, और इसको हिला लेना। हिला के हम इसे फ्रिज में रख देते हैं जब तक ये हमारे भल्ले जो हैं वो बनके तैयार नहीं होते। ध्यान रहे कि कभी भी चीनी डालने के बाद आपने दही को मिक्सी में नहीं चलाना, अगर मिक्सी में चलाओगे तो बिल्कुल पानी बन जाएगी। करीब हमें 15 मिनट हो गए हैं, भल्ले को हम निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि भल्ले का साइज फर्क पड़ गया है, दुगना साइज हो गया है, और इसे हमने इस तरह से हल्का सा पानी निकालना है, यानी हमने पानी को पूरी तरह से नहीं निचोड़ना, इसको दोनों हथेलियों के बीच में रख के कुछ इस तरह से हमने इसको निचोड़ना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो बीच में से निकल जाए। ये हमने भल्ले ले लिए हैं, तो अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर हम डालेंगे दही, खूब सारी हम दही डालेंगे। ये हमारी मीठी दही है जिसके अंदर हमने शुगर मिलाई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मीठी चटनी, यानी इमली वाली चटनी। मैं विभा की यूज़ कर रही हूँ, आप घर में जो चटनी बनाते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमली की चटनी। थोड़ी सी हम डालेंगे हरी चटनी, हल्का सा काला नमक, हल्की सी काली मिर्च अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, और ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट दही भल्ला मसाला। इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। ये मेरा घर का बना हुआ दही भल्ला मसाला है कि दही भल्ला मसाला जो है वो घर में कैसे बनाया जाता है, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके ऊपर गार्निश के लिए हम थोड़ी सी बूंदी डाल रहे हैं। आप चाहे तो आप सेब डाल सकते हैं, चाहे तो आप अनार के दाने डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे ये बूंदी जो है बहुत पसंद है, और ये मेथी वाली बूंदी है, आप सिंपल बूंदी भी ले सकते हैं। ये हमारा दही भल्ला कंप्लीट बनके तैयार है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। मैं आपको एक बार टेक्सचर दिखाना चाहूंगी एक भल्ले का कि कितना अच्छा ये भल्ला बनके तैयार हुआ है और कितना सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये भल्ला बनके तैयार हुआ है, बहुत ही नरम और बहुत ही स्पॉन्जी भल्ला है। ना इसमें दही डाली है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।